जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का, वह बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवा हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को, यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को, आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितेशी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है, तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों के भी सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन ना हो सके, तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में ना आने की स्थिति में भी इन कमजोर वर्गों का, यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज्यादा शोषण ना कर सके। इतना ही नहीं बल्कि ऐसी स्थिति में बीएसपी को भी सत्ता में आसीन होने का मौका मिल सकता है, और जब तक हम लोग अकेले अपने बलबूते पर खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीएसपी को लोकसभा चुनाव में वहां की रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर जरूर चुनाव लड़ सकती है, बशर्ते अब वर्तमान में उनका एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए से भी कोई संबंध नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी के लोगों को हर स्तर पर सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देश में लगातार बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई, अति गरीबी व बेरोजगारी आदि की इन गंभीर समस्याओं के प्रति केंद्र के उत्तरदायित्व को लेकर कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में जवाबदेही का लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार है, किंतु मणिपुर में जारी चिंतनीय हालात हिंसा व सुरक्षा ही अब नया मुद्दा बन गया है, किंतु इन समस्याओं के प्रति भाजपा का रवैया अब तक व्यापक जनहित का कम तथा अपने राजनीतिक स्वार्थ का ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिस कारण देश से जुड़े इन मामलों का जटिल बने रहना अति दुखद है।